रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज के वीडियो में 2 लाख प्रोग्राम के मुतालिक बड़ी खबर और अहम अपडेट से आपको आगाह करेंगे और इसके अलावा जिन अखवातीन हजरात ने 8171 के जरिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, लिस्टों के जरिए उनके नाम आए और बाद अदा उन्हें हुकूमत ने 2 लाख रुपए के प्रोग्राम में फैमिली तौर पर शामिल कर लिया था, लेकिन उनके हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि 2 लाख लेने वाले और साथ साथ 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई करने वाले खानदान और घराने, ये प्रोग्राम मुल्क भर में चलाया गया था और मुतासरा जो खानदान थे उन्हें हुकूमत की तरफ से 8171 रजिस्ट्रेशन अप्लाई का मौका फराहम किया गया था और इसके साथ साथ 2 लाख प्रोग्राम में शामिल किया गया था, लिस्टें भिजवाई गई थी। ऐसे तमाम अफराद जिन्हें पैसे मिले थे या फिर जिन्होंने अप्लाई किया था उनके हवाले से बड़ी खबर है कि हुकूमत ने, बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल की डेट में ऐलान किया है कि उन्हें हुकूमत 25% बेनजीर कफालत प्रोग्राम और इसास कफालत प्रोग्राम में इजाफा करते हुए कफालत के लिए उनको शामिल करने जा रही है। लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपसे राय तलब की थी, एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप अपनी आवाज में स्पीड ज्यादा रखते हैं, तो क्या वाकई मेरी स्पीड ज्यादा होती है बोलने की, तो कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि आने वाले वक्त में आपसे मालूमात आराम आराम से मैं बता सकूं और शेयर कर सकूं। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से 2 लाख प्रोग्राम में शामिल होने वाले खवातीनों हजरात घराने जो कफालत प्रोग्राम में हिस्सा नहीं थे उनको कफालत प्रोग्राम में हुकूमत बाकायदा तौर पर शामिल करने जा रही है, उन घरानों के हवाले से बड़ी खबर पहुंची है। ऐसे तमाम घराने खानदान जिन्हें 8171 के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर 2 लाख रुपए के प्रोग्राम में शामिल किया गया था और उनके लिए लिस्टें भिजवाई गई थी मुतलका इंतजामिया को, आज उनके हवाले से बड़ी खबर पहुंची है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस्ताद प्रोग्राम में 25% इजाफा करने की मंजूरी दी है। इस हवाले से यह खबर है आपको कर रहे थे और डायनामिक रजिस्ट्री नया सर्वे पूरे पाकिस्तान में तहसील सतह पर जारी है, जहां न्यू रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है और इसके साथ साथ जो कुछ आप तब्दील करवाना चाहते हैं या मजीद ऐड करवाना चाहते हैं यह सिलसिला भी जारी है। ऐसे तमाम घराने और खानदान जिन्हें 8171 पर रजिस्ट्रेशन और 2 लाख प्रोग्राम में शामिल किया गया था उनके लिए बड़ा मौका है, 25% कफालत प्रोग्राम में मुल्क भर में इजाफा किया जा रहा है जिसके जरिए आप भी जिला में मौजूद तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर अपने घराना के कवायफ के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भरपूर मौका है अपने आप को इस प्रोग्राम में शामिल करने का, इस्ताज का फालत हो, बेनजीर का फालत, राशन प्रोग्राम, बच्चों के तलीमी वजायफ या दीगर, आप NSER में रह गए थे और इसके अलावा तमाम घराने जिनका नाम लिस्टों में आया या फिर नहीं आया, कुछ ऐसे घराने भी मौजूद हैं जिनका नाम लिस्टों में आया बाद अजा उन्हें पेमेंट जारी नहीं की गई, उनके लिए बड़ी खबर है कि उन्हें हुकूमत का फालत प्रोग्राम में शामिल करने जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।